बीजेपी के नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट जेपी नड्डा जो है वो आज जम्मू पहुंच रहे हैं और लगता है कि जिस तरह से इलेक्शन की घोषणा जो है यहाँ पर अमित शाह द्वारा कहा गया था कि जिस तरह से हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि जम्मू कश्मीर में पॉसिबिलिटी है कि इलेक्शन जो है वो बहुत जल्द हो सकते हैं, लगता है भाजपा ने जो है वो अपनी कमर कस ली है। उसी के लिए जो है आज एयरपोर्ट पे जेपी नड्डा जी का जो है स्वागत हो रहा है और स्वागत में जो उनके कार्यकर्ता है वो इस तरह से आए हैं। चलिए मैं आपको एयरपोर्ट के बाहर के दृश्य दिखाती हूँ कि जिस तरह से आप देखिए कि यहाँ पर बाइक्स जो रैली है वो भी यहाँ पर होने वाली है और इस तरह से यहाँ पर जो युवा है। सर सबसे पहले अपना नाम? मेरा नाम मैम जितेंद्र सिंह सलाथिया है और मैं युवा मोर्चा का प्रेसिडेंट हूँ मंडल का। जिस तरह से आज जेपी नड्डा जी जो है जम्मू में आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि इलेक्शंस की जो स्थिति है वो जल्द से जल्द बन सकती है? जी मैम, इलेक्शन की स्थिति तो अभी शुरुआती तौर पे बन ही चुकी है और कुछ ही टाइम में, कुछ ही देर के बाद जो इलेक्शन जो हमारे जेएंडके में यूटी में अनाउंस हो जाएंगे। कहा कि आप एक युवा नेता है, जिस तरह से अगर मैं आपसे युवाओं के लिए प्रश्न पूछूंगी, अगर हमारी जम्मू कश्मीर यूटी का बेरोजगारी दर देखिए वो लगातार बढ़ता जा रहा है, आपको क्या लगता है? मैम देखिए ऐसा कुछ नहीं है, बेरोजगारी पहले से ज्यादा कम हुई है। बेरोजगारी जो हम बच्चे देखते हैं सड़कों पर, बीएसएफ सीआईएसएफ बॉर्डर बटालियन के बच्चे देखते हैं, क्या वो झूठ में बाहर आए? नहीं नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं है, जो थोड़ा बहुत कुछ होगा वो भी हमारी सरकार बनने के बाद ये सारे मसले हल हो जाएंगे। अभी बेरोजगारी वाली ऐसी कोई बात नहीं है, जो केंद्र में तो आप ही की सरकार नहीं तो कमी किस चीज की है? युवाओं को रोजगार चाहिए मैम, युवाओं को रोजगार है। आप बताओ ना कितनी डेवलपमेंट हमारे जेएंडके में हो रही है आज के टाइम में, पहले आपको दिखता था यहाँ पे ऐसी डेवलपमेंट नहीं दिखती थी, आज के टाइम में हर चीज है, युवाओं को रोजगार भी है। आप बताइए कौन सी चीज है आज के, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहूंगी कौन सी चीज है, आप बताइए। मैं सुन रहा हूँ, आपने कहा कि बहुत सी तरक्की हुई है, मैं आपके क्यों जेएंडके में आप देखो फोर लेन के काम चल रहे हैं, रिंग रोड के काम चल रहे हैं, एम्स आपका बन के तैयार है, उसकी की बात कर रहे हैं वो पीडीपी सरकार। मैम देखिए प्राइवेट कंपनियां आ रही हैं यहाँ पे, कुछ आ रही हैं कुछ आने वाली हैं, जिनसे सरकारी नौकरी का तो मतलब ही नहीं रहेगा। आप अदर स्टेट में चले जाओ, बाहर चले जाओ, कौन बात कही? अभी ज्यादा वक्त नहीं था लेकिन यहाँ पर जिस तरह से युवाओं की बात कहते हैं, युवाओं की भीड़ जो है वो लगातार उमड़ रही है यहाँ पर और जिस तरह से भव्य स्वागत की बात करते हैं और भव्य स्वागत के लिए उनके लिए यहाँ हैं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी बात करते हैं और ये एयरपोर्ट के बाहर दृश्य में आपको दिखा रही हूँ एक बहुत बड़ी रैली की अगर बात करें तो लगातार जो है यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि लगातार युवा जो है वो इकट्ठा होते जा रहे हैं और बीजेपी का अभी की उनके कार्यक्रम की बात करें भी कुछ ही देर में जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पहुंचते ही होंगे और उनके भव्य स्वागत के लिए जिस तरह से ये बाइक रैली का आयोजन भी जो किया गया है और काफी ज्यादा जो है वो युवा है इसमें, तो जिस तरह से आप देखते ही हैं कि लगातार जिस तरह से कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में जल्द ही जो है चुनावों की घोषणा की जाएगी, तो जिस तरह से ये तस्वीरें जो है मैं आपको ये एयरपोर्ट के बाहर की दिखा रही हूँ जिसमें काफी जो है वो युवा जो है वो बाहर आए हैं और अपने जिस तरह से अगर हम भाजपा की बात करें उनको जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं इसी पार्टी से जुड़े हुए ये कार्यकर्ता है जो आज लगातार उसके लिए तैयारियां जो है वो यहाँ पर पूर्ण हुई है। अभी कुछ ही देर में जो है वो जम्मू एयरपोर्ट पर जो है वो लैंड होंगे और उसी के बाद जो है उन यहाँ पर जो है वो इनसे मिलेंगे और इसी रास्ते से जो है वो कटरा जाने वाले हैं।
उन्हें यहाँ से थोड़ा सा पीछे जाने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि एयरपोर्ट रोड है, काफी व्यस्त रोड है, उस पर कुछ भी किसी भी तरह की जो है यहाँ पर रुकावट ना हो, इसीलिए आता है तो ऐसे अपडेट्स लेते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशा खान से तलहा।